हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे उसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंस। ये कॉन्सेप्ट आपकी नेशनल इनकम को अकाउंटिंग करने में हेल्प करेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट ना रहें। तो सबसे पहले हम समझेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी को एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँ तो एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आप डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहोगे? एक ऐसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जिसके अंदर आप बिना किसी रोक टोक के घूम सको, यानी एक ऐसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जिसमें पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज या आपकी कैपिटल्स, ये सब क्या कर सकें? फ्रीली सर्कुलेट करती हैं। क्या करती हैं? फ्रीली सर्कुलेट कर सकती हैं, यानी इस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर किसी भी एरिया में जाने के लिए मुझे किसी पासपोर्ट, किसी वीजा की नीड नहीं है। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप इसे इंडिया मानते हैं। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये इंडिया की बाउंड्री है। इस इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनमें घूमने के लिए मुझे किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। तो एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हमने क्या समझा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? एक ऐसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से सेपरेट करती है और उस कंट्री के जितने भी स्टेट हैं उसके अंदर किसी भी स्टेट में जाने के लिए मुझे किसी तरीके की कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं तो इसी डोमेस्टिक टेरिटरी के मीनिंग को एक वाइडर सेंस में यूज किया जाता है। अब वो वाइडर सेंस क्या है, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का जो ये मीनिंग है सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, ये तो इंक्लूड होता ही है, साथ ही साथ 2-3 ऐसी थिंग्स भी आपको ध्यान रखनी है जो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होती है। पहला क्या है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। फिशिंग वेसल्स क्या होती है? फिशिंग जो बोट्स होती है उनको फिशिंग वेसल्स कहते हैं। ऑयल एंड गैसेस रिग्स। रिग्स क्या होते हैं? बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनमें गैस और ऑयल है, उनको क्या किया जाता है? कूल रखने के लिए स्टोर किया जाता है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का एग्जांपल जैसे सबमरीन का ले सकते हैं। ये सभी एक कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा क्या किए जा रहे हैं? ऑपरेट किए जा रहे हैं इंटरनेशनली मार्केट में, यानी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में इन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये जितने भी आइटम जिस कंट्री के हैं वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। कैसे? एग्जांपल से समझिए। मान लो इंडिया का एरोप्लेन है, इंडिया का एरोप्लेन है, वो इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ऑपरेट हो रहा है। ये एरोप्लेन किसका है? इंडिया का। इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडियंस, यानी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस इसे ऑपरेट कर रहा है और ये दो कंट्रीज के बीच में ऑपरेट हो रहा है। तो ये कौन सी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? इंडिया की, क्योंकि ये है किसका एरोप्लेन? इंडिया का। अब मान लो यही एरोप्लेन चाइना और रशिया के बीच ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, किसके बीच हो रहा है? चाइना और रशिया के बीच में, तो भी ये कौन सी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? इंडिया की, क्योंकि इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, एम्बेसीज मान लो लोकेटेड है अब्रॉड में। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? वो ऑफिसर जो कि इंटरनेशनली मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके ऑफिसेस जिस एरिया में है अब्रॉड में, जिस एरिया में इनके ऑफिसेस हैं वो एरिया उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। मिलिट्रीज यानी एक कंट्री की मिलिट्री दूसरी कंट्री में जाकर मान लो कोई ट्रेनिंग ले रही है, तो वहां उनके कैंप्स जिस एरिया में है वो उस जिस कंट्री की वो मिलिट्री है उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। कैसे? मान लो इंडियन एम्बेसीज है, इंडियन एम्बेसी वो लोकेटेड है अमेरिका में। कहाँ लोकेटेड है? अमेरिका में। तो अमेरिका में जिस एरिया में वो लोकेटेड है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। या मान लो मिलिट्री है, इंडियन मिलिट्री वो कैंप के लिए या ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में जाती है, तो जिस एरिया में ये जो कैंप्स होंगे, इन मिलिट्री कैंप्स जहां जिन जिन एरिया में होंगे वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जब आप नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करोगे तो ये चीजें ध्यान रखोगे कि ये सभी चीजें एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही
पार्ट होती हैं। अब तक हमने ये समझा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, अब हम वो चीजें देखेंगे जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती। उसमें से पहली क्या है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, यानी किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी या फिर कोई मिलिट्री कैंप हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश है तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, कहाँ है, इंडिया में, तो ये एम्बेसी इंडिया में जिस एरिया में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ डब्ल्यूएचओ लोकेटेड विद द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री की बाउंड्री में एस्टैब्लिश है तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगे। तीसरा है, इंडियन कंपनीज बिल्डिंग्स लोकेटेड इन अब्रॉड, यानी इंडिया की कोई कंपनी बिल्डिंग है वो लोकेटेड है अब्रॉड में तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते समय कि ये चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं कि क्या चीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है और क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। पहला क्या है, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, यानी टाटा ने अपनी बिल्डिंग को गूगल को अमेरिका में क्या किया है, रेंट पे दिया है, तो ये बिल्डिंग इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, नहीं आती, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। सेकंड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कहाँ है, इंडिया में, तो ये इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि ये इंडिया की बाउंड्री में आता है। थर्ड है, ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांचेज है वो कहाँ है, इंडिया में है, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा क्योंकि उनके बिल्डिंग्स है, उनके ब्रांचेज कहाँ, किसके अंदर आ रही है, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर आ रही है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फोर्थ है, इंडियन एम्बेसीज इन जापान, इंडिया की एम्बेसीज जापान में है, तो जापान में वो जिस एरिया में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाई जापान, यानी जापान की कोई कंपनी इंडिया में है तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अगला है, रशियन एम्बेसीज इन इंडिया, रशियन एम्बेसीज इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अब हम नॉर्मल रेजिडेंस को समझते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंस क्या होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, वो पर्सन जो कि इंडिया में रहता हो, जो कि इंडिया में रहता हो, दूसरा उस पर्सन का अर्निंग, स्पेंडिंग और अक्यूमुलेशन, ये तीनों चीजें कहां हो रही हैं, इंडिया में हो रही है, कहां हो रही है, इंडिया में, यानी उसकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहां चल हो रही है, इंडिया में हो रही है। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो पर्सन है जिसकी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट का सेंटर इंडिया है, जो इंडिया में रहकर अर्निंग स्पेंडिंग उसका सारा अक्यूमुलेशन इंडिया में हो रहा है, और तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो मोर देन वन ईयर इंडिया में रह रहा हो, यानी एक साल से ज्यादा उसको इंडिया में रहते हुए हो गए हो, तो उसको इंडिया की गवर्नमेंट नॉर्मल रेजिडेंट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, सोनिया गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं। सोनिया गांधी को इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा, वो क्या है, इटली की है, यानी उनको जो सिटीजनशिप मिली हुई है वो किसकी मिली हुई है, इटली की, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंस कहाँ की है, इंडिया की, नॉर्मल रेजिडेंस कहाँ की है, वो इंडिया की, क्यों, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा इंडिया में रह रही हैं और इंडिया में ही रहकर उनकी सारी अर्निंग स्पेंडिंग और अक्यूमुलेशन होता है, यानी उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो हो रही है उसका इंटरेस्ट का सेंटर कहाँ है,
इंडिया। आपने ये तो समझ लिया कि नॉर्मल रेजिडेंस क्या होते हैं। अब हम उस कैटेगरी को देखते हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंस की कैटेगरी में नहीं आते, यानी वो कौन से पर्सन हैं जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कह सकते इंडिया का। इंडिया का एग्जाम्पल लेके हम यहाँ चल रहे हैं, ये ध्यान रखिए। पहला कौन सा है? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर जो कि इंडिया में सिर्फ ओनली टूरिज्म के लिए आते हैं या इंडिया को विजिट करने के लिए आते हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं माने जाएंगे। दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स, यानी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑफिस इंडिया में है और कोई फॉरेन का, यानी मान लो अमेरिका का कोई ऑफिसर है या वर्कर है, वो उसमें काम कर रहा है, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्या है कि अगर उस अमेरिकन को इंडिया में जो यूएनओ का ऑफिस है उसमें काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया हो, तो उसे इंडियन गवर्नमेंट नॉर्मल रेजिडेंस की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगी। एग्जाम्पल से समझिए, मान लो इंडिया में यूएनओ का ऑफिस है, ठीक है, इस यूएनओ के ऑफिस में अमेरिका का एक वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा। लेकिन अगर इस ऑफिस में जो कि इंडिया में है इस अमेरिकन को काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया हो, तो इंडियन गवर्नमेंट इस अमेरिकन को नॉर्मल रेजिडेंस की तरह ट्रीट करेगी। अगला है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बसीज। उसके बाद है सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर स्टे लेस देन 1 ईयर, यानी सीजनल वर्कर जो कि बाहर से इंडिया में आते हैं और उनको जो स्टे मिलता है वो लेस देन 1 ईयर का होता है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंस नहीं माने जाएंगे इंडिया के। फिफ्थ है कॉमर्शियल ट्रेवलर स्टे लेस देन 1 ईयर, जो कि इंडिया में 1 साल से कम रहते हैं। और लास्ट है बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स में आप ध्यान रखिए कि जो बॉर्डर पे वर्कर काम करते हैं उनको कंसीडर किया जाएगा उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस जहां वो रहते हैं, ठीक है, जहां के वो हैं उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस उन्हें नहीं माना जाएगा जहां वो काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर, अगर इस बॉर्डर पर नेपाल के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें नेपाल का रेजिडेंस माना जाएगा, और अगर यहाँ इंडिया के वर्कर्स काम कर रहे हैं तो इन्हें इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस देखिए जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि नॉर्मल रेजिडेंस कौन से इसमें होंगे इंडिया के और कौन से नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होंगे। स्पेशली हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस को यहाँ फाइंड आउट करेंगे। पहला है इंडियन ऑफिसर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। तो सबसे पहले ये देखो आप कि जो इंडियन एम्बेसी है वो यूएसए में है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा, ठीक है। अगला है अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 3 मंथ। जापानीज टूरिस्ट है वो इंडिया में 3 महीने के लिए ओनली विजिट करने के लिए आया है, तो वो नॉर्मल इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होगा। थर्ड है इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच। अब ये जो इंडियन है वो पाकिस्तान में गया क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में चला गया तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं रहेगा, तो ये कुछ टाइम मैच देख के वापस आ जाएगा घूम के, तो ये इंडियन भी क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंस का हिस्सा होगा। अगला है इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कौन काम कर रहा है, इंडियन, लोकेटेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में ही लोकेटेड है, तो ये ऑब्वियस है ये नॉर्मल रेजिडेंस का पार्ट होगा। फिफ्थ है इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर द हज। इंडिया का कोई मुस्लिम है वो हज के लिए गया है, तो ऐसा तो है नहीं वो परमानेंटली वहां सेट हो जाएगा, वापस भी आएगा, तो ये भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस का हिस्सा होगा। आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंस के बीच डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्या नॉर्मल रेजिडेंस है, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, कौन से पर्सन इंक्लूड नहीं होते, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।